तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके सपने नंबर वन यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई हुई है, ठीक है। तो जिसने भी दोस्तों इटली के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल को देखकर समझ ही लिया होगा, ठीक है। तो इटली का जिस कैंडिडेट का वीज़ा है, सबसे पहले उसको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, ठीक है। वो जल्दी जल्दी इटली में जाएँ, ठीक है, अपना काम शुरू करें। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और उन्होंने हम पे भरोसा किया, अप्लाई करवाया, ठीक है। क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं पूछे, ठीक है जी। तो इसी तरीके के कैंडिडेट का काम भी होता है और हम कोशिश करते हैं ऐसे कैंडिडेट का काम करवाने में हेल्प करने की और उसे सही कंपनी के बारे में गाइड करके उनका काम करवाने की, ठीक है जी। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट हम उनको करना चाहेंगे। इसके साथ साथ मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे जो और लोग हैं, जैसे मान के चलिए हमारे के व्यूअर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनके कमेंट्स हमें आते रहते हैं कि सर इटली के लिए सबसे ईजीएस्ट वे कौन सा है एंट्री करने का, ठीक है जी, जिसमें रिजेक्शन के चांस भी कम हो, वीज़ा भी जल्दी आ जाए और क्या पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा ही ऑप्शन दोस्तों आज इटली के वर्क परमिट का लेकर हम आपके सामने आए हैं, ठीक है जी। काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो कंपनी ने हमें बताई है, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड रिक्वायरमेंट है और उस हर इंसान के लिए फ्रेंड, जिसने इटली में फास्टेस्ट वे में एंट्री करनी है, ठीक है, जिसको रिजेक्शन के चांसेस को बिल्कुल कम करना है। कम पढ़े लिखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एज बड़ी भी है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आयल्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज की भी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी खास नहीं है, ठीक है। बेसिक थोड़ी बहुत बोल लेते हैं भाई, बहुत है आपके लिए, ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही लिमिटेड निकलती है, ठीक है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं, ठीक है जी। पर्सनली तो हम कोशिश करते हैं दोस्तों, हम 7-8 मिनट की वीडियो में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे पाएँ जो आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है, और जिसमें आपकी सुविधा के अनुसार आप समझ पाएँ उस चीज़ को। तो इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी क्रोएशिया के लिए, इसके साथ साथ चेक रिपब्लिक के लिए, इसके साथ साथ जर्मनी के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया जॉब रिक्वायरमेंट्स आई हुई हैं। अभी कुछ वैकेंसीज उसमें अवेलेबल हैं, तो आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद दोस्तों जल्द से जल्द उन वीडियोस को भी जाके जरूर देखें, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी वो वैकेंसी अवेलेबल हैं, तो जल्द से जल्द उनका लाभ उठाएं दोस्तों, जिसने भी अप्लाई करना हो, इससे पहले की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको क्लियर बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें जो रिक्वायरमेंट आई है, आप ये समझ लीजिए, ये है वेयर हाउस में और होटल रेस्टोरेंट में, ठीक है जी। तो जो भी वेयर हाउस का काम जानते हैं, ये जो भी होटल रेस्टोरेंट में जैसे बारटेंडर्स, वेटर वगैरह का काम जानते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपको कि वर्ल्ड वाइड ऑल नेशनलिटी, किसी भी नेशनलिटी के पर्सन, आप दुनिया में किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है ऑनलाइन होता है, वर्ल्ड वाइड लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो कोई कंट्री की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि भाई आप इस कंट्री में हैं अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते, जहाँ से आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा है अप्लाई करने की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। खुद की इच्छा होती है हर इंसान की, अप्लाई करना है ना करना। तो उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा जो इसकी एज लिमिट है, एज लिमिट की बात कर लूँ दोस्तों मैं, 18 से लेकर 48 साल तक के कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों 10th और 12th चल जाएगी, आपने किसी भी कंट्री से की हो, ठीक है, डजंट मैटर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसमें सैलरी कितनी दी जा रही है। देखिए दोस्तों, सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब आपकी दूसरी चीज़ होती है दोस्तों अकोमोडेशन का, तो अकोमोडेशन की बात कर लूँ तो अकोमोडेशन भी इसमें मिल रहा है। सैलरी इसमें लगभग मान के चलिएगा दोस्तों 1000 यूरो से लेके 1500 यूरो के इन बिटवीन सैलरी रहती है, ठीक है। थोड़ी बहुत मोर और लेस हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया बता दिया है। बाकी जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों जनरेट होता है, उसी में क्लियर चीज़ें लिखी होती हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लिखी होती हैं, आप किस पोजीशन पे वहाँ पर जा रहे हैं किसी कंट्री में, वो लिखा होता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके लिए भी हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं पर्सनली भी, ठीक है। तो मैंने इसका भी आंसर आपको दिया है ताकि आपको इस चीज़ को चेक करने में आसानी हो कि भाई कौन सा वर्क परमिट है और कौन सा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी, आपकी सुविधा के लिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि अब डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बहुत सारे हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए जी, इसमें सबसे पहले जो आपका पासपोर्ट है, उसमें कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, यानी कि 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए उसमें, ठीक है, खाली पेजेस होने चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको चाहिए होंगे आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, जो भी आपने डिप्लोमा या फिर जो भी आपने पढ़ाई करी है,
या अगर आपके पास कोई रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है, वो आपको सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ वीज़ा सबमिशन, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि आपके गुड फाइनेंशियल मींस कि आप उस कंट्री में जा रहे हैं इटली में, तो आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल होने चाहिए दोस्तों कि आपको वहाँ पर जाकर आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े या उसकी गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। अब बताता हूँ दोस्तों कि बैंक स्टेटमेंट में आपको बैलेंस कितना रखना है जो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मेंटेन्ड है कि नहीं है, जैसे कि आपको विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के लिए काफ़ी हद तक मेंटेन्ड स्टेटमेंट चाहिए होती है, लेकिन इसमें मेंटेन्ड स्टेटमेंट की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आपके अकाउंट में बैलेंस ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, जो आपकी स्टेटमेंट में क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तकरीबन मैं आपको डॉलर्स में बता रहा हूँ, आप अपने कंट्री में जहाँ से भी आप रहते हैं आप उसको अपनी करेंसी में कैलकुलेट कर सकते हैं। डॉलर्स में मैं आपको बता देता हूँ, तो तकरीबन इसमें मान के चलिएगा दोस्तों 2,500 से 3,500 डॉलर तक आपके अकाउंट में, ठीक है, बैलेंस रहना चाहिए। और ये बहुत अच्छा बैलेंस है, इससे ऊपर हो तो वेल एंड गुड, इतना तो होना ही चाहिए, इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। काफ़ी सारे सवाल हमें ये भी आते हैं, तो ये सफिशिएंट बैलेंस माना जाता है, ठीक है। ज़्यादा हो बैलेंस तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, जितना भी ज़्यादा आप रख सकें, लेकिन अगर इतना है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि आपको जब भी इटली के लिए अप्लाई करना है, इसकी अपॉइंटमेंट्स के लिए भी अगर आपको बात करनी है तो वो भी अपॉइंटमेंट के लिए भी आपकी हेल्प की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। काफ़ी फास्ट प्रोसेस है दोस्तों, काफ़ी ईजी प्रोसेस है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सक्सेस रेट की। सबसे बड़ा सवाल जो सक्सेस रेट के लिए आते हैं बार बार कि सर अप्रूवल रेट कितनी है, ठीक है। तो अप्रूवल रेट दोस्तों ध्यान रखिएगा हर कंट्री से अलग अलग होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि इटली के किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है, वहाँ से कितनी एप्लीकेशन जा रही है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं दोस्तों। तो आपको एक हर कंट्री के हिसाब से अगर जानना है कि आपकी कंट्री में रिजेक्शन अप्रूवल कितना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। लेकिन मैं आपको बेसिक ओवरऑल बता देता हूँ जनरल, तो इसमें दोस्तों अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80% के इन बिटवीन इसमें अप्रूवल रेट है। आज के समय में बहुत बढ़िया अप्रूवल रेट मानी जा रही है भाई। कहने का मतलब ये है कि 100 में से, ठीक है, जो 20 से 25 वीज़ा हैं वो डिसअप्रूव होते हैं, बाकी के वीज़ा अप्रूव होंगे, ठीक है। आज की रेट की मैं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी शॉर्टेज चल रही है दोस्तों, वर्कर्स उनको जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट है, तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। आगे आगे जैसे ही रिक्वायरमेंट फिलफुल हो जाएंगी ये रिजेक्शन रेट भी बढ़ जाएगी दोस्तों। आज जहाँ पे 25 वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 100 के पीछे, तो मान के चलिएगा हो सकता है कि 50-50 भी रह जाए, 40-60 भी रह जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे पोलैंड का हाल हुआ है कि सिर्फ 10-15% वीज़ा अप्रूव होते हैं, बाकी सारे वीज़ा का तो आपको पता ही है, जिन लोगों ने पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं और कहीं से अप्लाई उन्होंने करवाया है तो हमें फीडबैक तो आते ही रहते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो दोस्तों आप पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको सीधा का सीधा कंसल्टेशन चार्ज पे करके दोस्तों आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।